से आप? मैं शरीफ और आलशान हूँ सर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कल का मेरा जो वीडियो होगा आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप उसको राइट डाउन जरूर करते जाइएगा, जिससे आपका एक बेहतरीन सा नोट्स बनते रहे, जाए आपका मिसलेनियस बनेगा। उम्मीद करूँगा मैं धीरे धीरे, मेरे पास बिजी शेड्यूल के होने के कारण मैं प्रॉपर वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, लेकिन एक अब मैं सोचा है कि रात में मैं ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगा, बिकॉज़ थोड़ा सी क्रिएचर्स की कुछ आवाज़ें आती हैं रात में, इसलिए मैं वीडियो रात को अपलोड करना नहीं पसंद करता हूँ। लेकिन श्योर है अब मेरा वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा, चाहे आप उसको राइट डाउन करते जाइएगा, ज़रूर आएगा। एक वीडियो तो ज़रूर आना है पर डे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। उम्मीद करता हूँ आपको प्रीवियस का लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा, जो कि महासागर की खाड़ियों से था, तो बहुत अच्छा लगा होगा। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकॉन ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको वीडियो मिल सकेगा। और बहुत लोग, अगर आप सभी लोग जानते होंगे, इंटेलिजेंट सभी आप हैं ही हैं, अगर वीडियो क्वालिटी नहीं होता हो रहा होगा, तो जब मेरा वीडियो आप देख रहे होंगे, तो उस पर जब वीडियो चलती है यूट्यूब पे, तो उस पर राइट साइड में राइट कॉर्नर पे 3 डॉट होते हैं, उस पर क्लिक करके क्वालिटी पे जाके आप 720p पी फॉर पिक्सल पे आप क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। पूरा वीडियो पूरा HD जैसा लगेगा, बिल्कुल साफ दिखेगा पूरा अल्फ़ाबेट्स। बिकॉज़ मैं DSLR कैमरा का यूज़ नहीं करता हूँ, मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ एक कैमरा से ही करता हूँ, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन मैं वीडियो पूरा HD में साफ में क्लियर करता हूँ, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि 720p करेंगे तो बिल्कुल साफ रहेगा। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए मैं शुरू करता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हर कम्पिटेटिव आज के एग्ज़ाम में, हर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यहाँ में मैंने पूरे सारे टॉपिक ख़त्म कर दिए, इसके बाद आपको ये टॉपिक कभी आपको रिवाइज देखना नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप राइट डाउन कर दीजिएगा, आपका ये नोट्स इतने में ही कई सारा आपका तैयार होता जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ भी रहा होगा, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा मेरे जिस तरह से मेरा ये इस तरह से मेरे पढ़ाने का तरीका है। तो बने रहेगा मेरे साथ स्टडी फॉर ऑल के साथ, नहीं तो क्या हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे है ना। लेकिन कैसा वाला? अच्छा वाला, बुरा वाला नहीं। पहला क्वेश्चन है लीवर, टॉपिक किसके ऊपर है? लीवर के ऊपर है। जैसे कि आप देख रहे हैं लीवर, यानी जैसे हिंदी में बोलते हैं यकृत। अच्छा, मान लीजिए पिक्चरों में चले जाए तो बोलते हैं कि ये मेरा कलेजा का टुकड़ा है, यानी यकृत को किस नाम से जानता है? तो कलेजा के नाम से जानता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, कई सारे अभी पूछते हैं ये मेरा जिगर का छल्ला है, कई सारे हम सब आम चाल बोल चाल के भाषा में बोलते हैं, तो यकृत को कलेजा भी बोला जाता है और आपका जिगर भी बोला जाता है, तो यकृत का दूसरे नाम क्या है? कलेजा है और जिगर भी कहते हैं, तो और इंग्लिश में क्या बोलते हैं यकृत को? लीवर के नाम से जानता है। तो ये टॉपिक बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे मैंने एक बहुत ही अच्छा ट्रिक लिखा है, जिससे आपको तुरंत इससे जितने सारे जो ये फंक्शन करता है, हमारा कार्य करता है लीवर, इससे आपका सारा सारा पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रिक लिखा है, एक बच्चा बहुत शरारत है, जैसे मैं एक कैसे याद होगा ट्रिक, कैसे आपको याद करना है, मैं कैसे याद रखता हूँ, कैसे आप याद कर सकते हैं, आप बिल्कुल ईजी है, कोई चीज़ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बार पढ़िए पढ़िए, कौन पिटेगा? तो पूछेगा बेटा पिटेगा। कहाँ पिटेगा, किस गली में? तो यू गली में पिटेगा। किस गली में पिटेगा? यू गली में। एक बच्चा ऐसे मान लीजिए शरारत कर रहा था, तो उससे कहा गया ए बेटा यू गली में पिटेगा, ए बेटा यू गली में पिटेगा, किस गली में पिटेगा? तो अब आंसर आएगा यू गली में पिटेगा। कौन? ए बेटा। तो बेटा को बोला ए बेटा यू गली में पिटेगा, तो ऐसे आपका तैयार हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आपका यहाँ पे बहुत ही ईजी है, ए से दिख रहा होगा, ए बोलिए ए तो निकलेगा ए, ए से बेटा से निकल रहा होगा, बेटा से विटामिन निकल रहा है, तो क्वेश्चन पूछेगा बेटा से क्या निकल रहा है? विटामिन निकल रहा है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विटामिन ए का भंडारण मतलब स्टोर कहाँ होता है, तो विटामिन ए स्टोर मानव के किस अंग में होता है? तो विटामिन ए मानव के किस अंग में पाया जाता है? तो आप किस पे टिक लगाएंगे? यकृत में पाया जाता है। तो कुछ हो जाएगा विटामिन ए से हो जाएगा ए, और बेटा से निकलेगा विटामिन, विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है? तो भंडारण होता है, आपका सीधा आंसर आ जाएगा, यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो ये क्वेश्चन सीधा से पूछा जाएगा कि यू से बनेगा यूरिया,
कुछ मुझे यूरिया हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है, जो ये क्या करता है हमारे शरीर में अमोनिया का नाम सुना होगा, बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही टॉक्सिक जहरीला होता है। अगर ये हमारे ये शरीर से बाहर ना निकले तो ये वेंस के थ्रू हमारे जहाँ ब्लड बहते हैं उसमें ये अगर चली गई तो इसकी कलेक्ट होने लगेगा तो हमारी वेंस जो होती हैं, हमारी जो धमनी और शिराएं होती हैं वो फट जाती हैं, फट सकती हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है यू से क्या बनेगा, यूरिया, और या से निकल रहा है, या से निकल रहा है यकृत। क्वेश्चन पूछेगा वह मानव शरीर का वह कौन सा अंग है, यानी यकृत कौन सा अंग है जो अमोनिया को, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। तो अमोनिया को यकृत क्या करता है, अमोनिया को किस में बदलता है, एरो दिखाई रहे हैं, किसमें बदलता है, यूरिया में बदलता है। तो वो जो मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो अमोनिया, अमोनिया का सूत्र आप जानते होंगे NH3 होता है, जो अमोनिया को यूरिया में बदलता है। तो मानव शरीर का कौन सा अंग है, तो यू से यूरिया को चेंज करता है, यूरिया में चेंज करता है किसको, अमोनिया को। या से क्या कौन चेंज करता है, कौन सा अंग, तो यकृत चेंज करता है। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको दिख रहा होगा, गली, गा से आपको दिख रहा है ग्लू, गली से निकलेगा ग्लूकोज, और गली से निकल रहा है, गली अगर देखा जाए तो गली से निकल रहा है ग्लाइकोजन। तो क्वेश्चन पूछेगा मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। तो ग्लूकोज को दिख रहा है, एरो दिख रहा होगा, ग्लूकोज को किसमें चेंज करता है, ग्लाइकोजन में। तो मानव शरीर का कौन सा अंग है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। और आप जानते होंगे अगर क्वेश्चन पूछेगा हमारे मनुष्य के शरीर के लिए ईंधन का कार्य कौन करता है, तो ईंधन का कार्य करता है ग्लाइकोजन। होता क्या है, ग्लूकोज ही का ये रूप होता है, क्योंकि ग्लूकोज ही चेंज हुआ है ग्लाइकोजन में, जो ये कौन सा अंग करता है, यकृत करता है। तो शरीर का ईंधन ग्लूकोज भी बोला जाता है, अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ग्लाइकोजन, क्योंकि ग्लूकोज ही है लेकिन चेंज हमारी बॉडी में किस रूप में हो गया है, ग्लाइकोजन के रूप में। इसीलिए बोलते हैं शरीर का ईंधन किसे बोला जाता है, फ्यूल किसे कहा जाता है, ईंधन को मतलब फ्यूल बोलते हैं। जैसे आपको गाड़ी चलानी है तो उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तेल की, पेट्रोल डीजल की, तो उसके लिए फ्यूल फ्यूल बोलते हैं उसे, फ्यूल कहते हैं। तो हमारे लिए फ्यूल का काम कौन करता है, हमारे बॉडी के लिए फ्यूल का काम कौन करता है, ग्लाइकोजन, जिसके द्वारा हम वर्क कर पाते हैं, कार्य कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे आपको सीधे सीधे दिख रहा है, पी से आपको दिख रहा है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दिख है ये टॉपिक, पी से दिख रहा होगा, पी से पित्त रस, आपने सुना होगा नाम, पी से पित्त रस, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, पित्त को बोलते हैं बाइल और रस को बोलते हैं जूस। तो क्वेश्चन पूछेगा पित्त रस का निर्माण कौन करता है, तो पित्त रस का निर्माण, पित्तरस का जो फॉर्मेशन है, जो निर्माण है, फॉर्मेशन कौन करता है, तो पित्तरस का निर्माण, तो पी से बनेगा पित्तरस, कौन करता है, तो यकृत करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा पित्तरस का निर्माण कौन करता है, यकृत, जिसे लिवर या कलेजा या जिगर के नाम से बोला जाता है, कलेजा जिगर समझ में आ ही रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पे एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्रभावित अंग हमेशा श्योर है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। आपने इस बीमारी का नाम सुना होगा, बहुत खतरनाक बीमारी, हेपेटाइटिस तोड़ के पढ़िए, हेपेटाइटिस बी और सी से कौन मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा हेपेटाइटिस बी से पूछेगा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आप टिक लगाएंगे यकृत। यह पूछेगा हेपेटाइटिस सी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत। तो बी से भी और सी से भी कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत। तो हेपेटाइटिस बी और सी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत पे टिक लगा देंगे। क्वेश्चन पूछेगा पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो पीलिया से अब भी आपका यकृत अंग प्रभावित होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा पीलिया से प्रभावित होने वाला अंग है, तो पीलिया से क्या प्रभावित होता है, जब किसी व्यक्ति को पीलिया हो जाता है, पीलिया सुना होगा आपने, ज्वाइंटिस बोलते हैं, जब किसी व्यक्ति को ज्वाइंटिस हो जाता है तो कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है, तो लीवर, जिसे यकृत बोलते हैं। तो हेपेटाइटिस बी और सी से यकृत प्रभावित होता है, और पीलिया से क्या प्रभावित होता है, उससे भी क्या प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है। कई सारा आपका यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आंसर बनेगा सीधा आपका लीवर। तो क्वेश्चन होगा मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी कहलाती है, तो सीधा आप टिक लगाइएगा, लीवर पे टिक लगाइए। किडनी आएगा ऑप्शन में, वृक्क जिसे बोलते हैं, गुर्दा जिसे बोलते हैं, ब्रेन आ जाएगा, सॉरी ये आपका कई सारे अंग बोल आ सकते हैं, तो आप किस पे लगाएंगे, लेकिन लीवर पे लगाएंगे। तो वह कौन सा अंग है जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है, तो लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लीवर को एक संज्ञा दी गई है, लीवर क्या करता है, हमेशा इसमें रासायनिक चीज़ें होती हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा शरीर में रासायनिक प्रयोगशाला की तरह कार्य कौन सा अंग करता है, तो हमारे शरीर में वह कौन सा अंग है जो
रासायनिक मतलब केमिकल और प्रयोगशाला मतलब लेबोरेटरी, हमारे शरीर में वो कौन सा अंग है जो रासायनिक प्रयोगशाला यानी केमिकल लेबोरेटरी के रूप में वर्क करता है, तो वो भी आपका हो जाएगा यकृत एज अ केमिकल लेबोरेटरी की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएगा इस किस तरह दिखता है हमारा यकृत, तो लालपन जैसा होता है, भूरे रंग का कलर होता है, लाल जैसा दिखता है, भूरे रंग का। लालपन क्यों होता है? क्योंकि इसमें रक्त से भरा अंग होता है, रक्त से भरा अंग होने के कारण ये लालपन दिखता है, क्योंकि बिकॉज रक्त हमारा रेड कलर का होता है, इसी कारण ये लालपन जैसा लगता है और ये भूरे रंग का होता है। और बहुत ही सॉफ्ट मतलब कोमल, बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन है हमारा, ये अंग है हमारा लीवर जिसे बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कहते हैं अल्कोहल ज़्यादा की मात्रा हमारे शायद बॉडी में नहीं लेना चाहिए, बिकॉज हमारा लीवर इनएक्टिव काम करना बंद कर देता है। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो ए से होगा विटामिन ए, विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है, कहाँ पाया जाता है, तो यकृत बेटा से विटामिन निकल रहा है, तो ए से ए और बेटा से विटामिन ए, तो का भंडारण कहाँ होता है, यकृत में होता है। क्वेश्चन में मानव शरीर में वो कौन सा अंग है जो अमोनिया NH3 को यूरिया में बदलता है, तो यकृत। ये पूछा गया यूरिया कहाँ पाया जाता है, किस अंग में, तो यकृत। और क्वेश्चन हो गया गले से निकल रहा है ग्लूकोज, वह कौन सा अंग है शरीर में जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में चेंज करता है, तो आपका यकृत पे टिक लगाएंगे। क्वेश्चन हो गया ये ग्लाइकोजन का संज्ञा दिए शरीर के लिए ईंधन का कार्य कौन करती है, तो आपका ग्लाइकोजन है, इसीलिए इसे शरीर का ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा पी से पित्तरस, हमारे शरीर में पित्तरस का निर्माण फॉर्मेशन कौन सा अंग करता है, तो लीवर काम करता है। लीवर जिसे यकृत, यकृत को किस नाम से और जानता है, कलेजा या जिगर के नाम से जानता है, जिगर की छलनी कर दिया कलेजा दुख रहा है, ऐसे पिक्चरों में आपने देखा होगा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा है। तो आपको ये उम्मीद करता हूँ ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, तो बने रहेगा मेरे साथ स्टडी फॉर ऑल के साथ। और अभी कुछ देर बाद 3-4 घंटे में आपके सामने एक करंट अफेयर भी आज मैं दूंगा, आज संडे है मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, मैं ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँगा आज के आज श्योर अपलोड करूँगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ स्टडी फॉर ऑल के साथ, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।